वीटो पावर को लेकर यूएन में लड़ाई हुई तेज। चीन के तर्कों को देश ने फेंका कूड़े के ढेर में। दमदारी से मांग रहा स्थायी सदस्यता का हक। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर भारत आज जिस दमखम से लड़ रहा है, उसे देखकर लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत वीटो पावर के साथ चीन की छाती में मूंग दलेगा। दोस्तों, देश संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता का हक रखता है और देश का सीधा तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र आज के वक्त में पूरी दुनिया का नेतृत्व करने में असफल है और इसे प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि इसका विस्तार किया जाए। दोस्तों, देश का तर्क ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र अगर पूरी दुनिया की भलाई के मकसद से बनाया गया है तो इसका नेतृत्व केवल 5 देशों के पास क्यों है? ये केवल 5 देशों के शक्ति प्रदर्शन के मंच जैसा क्यों लगता है? आज दुनिया की जरूरतें अलग है, आज एक अलग माहौल है और जब इस संगठन का निर्माण हुआ था उस वक्त दुनिया की जरूरतें अलग थी, इसलिए दुनिया की भलाई के लिए इसमें बदलाव बेहद जरूरी है। भारत इसके लिए न केवल संयुक्त राष्ट्र में मांग कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया में जबरदस्त समर्थन तैयार कर रहा है। दोस्तों, लेकिन इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह का आत्मविश्वास दिखाया है उससे यह तो साफ हो गया है कि देश अब इस मामले में बहुत तेजी से काम कर रहा है और किसी भी तरह से कदम रोकने वाला नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? भारत के मामले में क्या रुकावट है? दुनिया भर में देश ने कैसे जुटाया समर्थन? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। आतंकियों के समर्थन पर ड्रैगन को लगाई फटकार, ताकत के गलत इस्तेमाल का लगाया बड़ा आरोप, G4 का हिस्सा बनकर मजबूत ढंग से रखी बात। दोस्तों, सुरक्षा परिषद में देश की स्थायी सदस्यता के मामले में सबसे बड़ी रुकावट चीन है, जो किसी भी हालात में एशिया में खुद के अलावा किसी दूसरे के हाथ में ये ताकत नहीं जाने देना चाहता है। इसके लिए वो संयुक्त राष्ट्र में तमाम तर्क देकर देश के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत ने अब चीन की इन करतूतों का खुलकर जवाब देना शुरू कर दिया है और चीन का कच्चा चिट्ठा खोलना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि देश ने यूएन में चीन को किस बात पर घेरा है? आतंकवाद के मुद्दे ने क्यों पकड़ा तूल? तो दोस्तों, भारत का सीधा आरोप है कि जब किसी आतंकी को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित कराने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है तो वीटो की ताकत का उपयोग करके प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाता है, लेकिन कभी यह नहीं बताया जाता है कि आखिर यह प्रस्ताव रद्द क्यों किया गया। दोस्तों, कई बार भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव पेश किया है जिसके खिलाफ चीन ने वीटो का इस्तेमाल किया था। वहीं विदेश मंत्री एस शंकर ने खुलकर इस बात को कहा है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के मामले में रुकावट कोई यूरोपीय देश नहीं है। उनका सीधा इशारा चीन की तरफ ही था। दोस्तों, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए जरूरी है कि देश आर्थिक रूप से मजबूत हो, देश की रक्षा ताकत इतनी हो कि वो दुनिया में जरूरत पड़ने पर अपनी भूमिका निभा सके, देश के भीतर इतना विकास हो कि न्याय, महिला अधिकार, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर देश मजबूत हो, वहीं दुनिया के तमाम देशों का समर्थन हासिल हो, वहीं 5 स्थायी सदस्यों का भी समर्थन हो। सबसे बड़ी बाधा यह है कि अगर 1 सदस्य भी इसके खिलाफ है तो मामला अटक जाएगा और चीन वही बाधा बनने का काम कर रहा है। भारत ने अपना समर्थन बढ़ाने के लिए दुनिया भर में मुहिम चला रखी है जिसे ज्यादातर देश समर्थन दे रहे हैं। दोस्तों, यही वजह है कि भारत फिलहाल तमाम मुद्दों पर संतुलित रुख अपना रहा है, वो किसी भी पक्ष में एक तरफा रुख नहीं अपना रहा है। अरब देशों से लेकर पश्चिम में देश को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। वहीं भारत ने इस लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए G4 समूह के साथ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। सवाल उठता है कि आखिर G4 समूह क्या है, इसका क्या मकसद है? तो दोस्तों, इस समूह में ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान शामिल है। ये सारे देश सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल करना चाहते है। इनकी मांग है कि सुरक्षा परिषद में बदलाव होना चाहिए और ये देश एक दूसरे के लिए समर्थन व्यक्त करते हैं, इस संघर्ष के लिए लगातार रूपरेखा बनाते हैं, आपस में मीटिंग्स करते हैं, जरूरी कदम उठाते हैं। दोस्तों, देश आर्थिक रूप से दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत बन चुका है, रक्षा मामले में भी दुनिया के गिने चुने देशों में से एक है, अंतरिक्ष में देश की धमक दुनिया देख रही है, लोगों का जीवन स्तर भी सुधर रहा है और सभी मामले तो ठीक है, बस चीन का अड़ंगा ही देश के लिए मुश्किल बनता जा रहा है और अब देश ने इसके लिए भी विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है और इसे लेकर विदेश मंत्री ने
ने खुलकर कहा है कि हम स्थायी सदस्यता हासिल करके रहेंगे। सवाल उठता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता से देश को क्या क्या फायदा होगा? इसके लिए जी जान से क्यों काम कर रहे पीएम मोदी? यूएन में क्यों मचा है बवंडर? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। राजनयिक क्षमताओं में हो जाएगी बेतहाशा वृद्धि, बीजिंग के घटिया मंसूबे हो जाएंगे पूरी तरह नाकाम, दुनिया भर में बढ़ जाएगी भारत की रणनीतिक धमक। दोस्तों, अगर देश को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल हो जाती है तो इससे देश की दुनिया में धमक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यूएन में चीन की दादागिरी पर अंकुश लगेगा, पाकिस्तान के पक्ष में चीन अपने कोई कदम नहीं उठा पाएगा। देश ऐसे सारे प्रस्तावों को रोक सकेगा जो देश के खिलाफ हो, जो चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्र का हिस्सा हो। इसके अलावा दुनिया भर के तमाम मामलों में देश अपनी मजबूत भूमिका निभा सकेगा। देश की इस ताकत के दम पर दुनिया के तमाम देश भारत से दोस्ती रखना चाहेंगे। देश से दुश्मनी करने की जरूरत जल्दी कोई नहीं कर पाएगा। देश एक वैश्विक शक्ति बन जाएगा। दोस्तों, यही वजह है कि चीन पाकिस्तान इसके खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। चीन को लगता है कि अगर भारत को यह ताकत हासिल हो गई तो एशिया में उसकी हैसियत बराबर की हो जाएगी और तमाम मामलों में भारत मजबूती से उसे जमीन सुंघा सकेगा। सुरक्षा परिषद में भारत, अमरीका, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर उसके खिलाफ तमाम कदम उठाने में सफल हो जाएगा, उसके लाए प्रस्तावों को रोक सकेगा। इसीलिए वो पूरी ताकत से देश के कदमों को पीछे खींचने में लगा है, लेकिन देश इसके लिए अब बहुत आगे बढ़ चुका है। चीन किसी भी हालत में देश को रोक नहीं पाएगा। भारत के विदेश मंत्री ने खुलकर कहा है कि देश वीटो पावर और स्थायी सदस्यता हासिल करके रहेगा। कुछ वक्त पहले तक देश तमाम मुद्दों पर ऐसा ही दावा करता रहा और आखिर में उसने करके दिखाया भी है। चाहे वो अनुच्छेद 370 का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, CAA का मामला हो या तीन तलाक जैसा मुद्दा हो, देश ने ऐसी लंबी लड़ाइयों पर जीत हासिल की है और अब वीटो पावर सब्जेक्ट ऑफ मैटर है जो खत्म होके रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश के चुनावों में इसे मुद्दे की तरह शामिल किया गया है। पीएम मोदी का कहना है कि मजबूत जनमत मिलने पर इस मामले में मजबूती से काम किया जाएगा। इस मामले में आ रही सभी बाधाओं को खत्म करके यूएन में तिरंगा लहराया जाएगा। दुनिया भर की तमाम हस्तियां इसे लेकर भारत का समर्थन कर चुकी है। कुछ वक्त पहले ही एलन मस्क ने इस मामले में देश के पक्ष में बयान दिया था, जिसके बाद अमरीका ने तुरंत अपना समर्थन दोहराया था। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या सुझाव है कमेंट करके जरूर बताएं।